बालाघाट जिले में गौतस्करी का बड़ा मामला दर्ज किया गया है। गौतस्करी का आरोप बालाघाट के बीजेपी जिला युवा मोर्चा के महामंत्री मनोज पारधी पर लगा है। मनोज पारधी के साथ साथ करीब 24 लोगों पर नामजद आरोप लगाए गए हैं, जिनके खिलाफ लाल बर्रा थाने में नामजद मामला भी दर्ज हो गया है। इन पर आरोप है कि ये गौतस्करी कर नागपुर के कत्लखाने लेकर जा रहे थे। 138 मवेशियों को पुलिस ने इनसे छुड़ा दिया है। इतना ही नहीं, मवेशियों को शराब का नशा भी देने का गंभीर आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ में लगातार नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला बिलासपुर जिले से सामने आया है, जहां पर दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। आरोपियों से पुलिस ने 25 किलो गांजा भी बरामद किया है। शहर में ही गांजा बेचने की फिराक में ये आरोपी घूम रहे थे और ग्राहकों की तलाश करने के दौरान पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले थे। सिरगिट्टी पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में बड़े खुलासे भी हो सकते हैं।